वो कितनी बार समझाया हमने तुम्हें कि तुम अपनी बीवी को काबू में रखो, तुमने हमारी बात नहीं मानी कबीर। देखो क्या अकेला खड़ा हो गया है। अबू, जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे नाम पर नारे क्यों लग रहे हैं, हमें नहीं पता। इसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है। भाई बताओ कोई से। लो, देखो, हम आप सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर जारा बीबी हमारा साथ ना देती तो हमारा क्या होता? शरिया बोर्ड में हम उन सब मर्दों के सामने अपनी बात पेश कर पाते? जारा अहमद कौम की वो बेटियों को बरसा रही है, हम सब ये नहीं होने देंगे। जारा अहमद क्यों सर? लाख मना किया था कि उस औरत पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हमारी बात क्यों नहीं मानी तुमने? पूरा शहर तुम दोनों के नाम की लानत भेज रहा है, घर की इज्जत मिट्टी में मिल रही है, ये सब नहीं होना चाहिए ना सारा। हमने तुम्हें समझाया था कभी कि हालात को संभाल लो, अगर जारा ने कौसर का साथ नहीं दिया होता तो आज बात इतनी नहीं बिगड़ती। हाँ कबीर, आज जो कुछ भी हो रहा है ना उसके बाद इस घर की इज्जत पे बहुत गहरा घाव लगने वाला है, देख लेना तुम। और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जारा रहेगी। एक मोमिन औरत एक नेक बीवी का फर्ज निभाने में नाकाम रही है, तुम्हारी जिद, तकरार का तुम्हारा ये रवैया इस घर की इज्जत को ले डूबेगा एक दिन, देख लेना। कड़क फैसला आप कबीर मियां को सुनाएंगे कैसे? आखिर वो हमारे दामाद भी तो है ना। करना तो पड़ेगा ही बेगम, ये कोई हमारा जाती मामला नहीं है और ना ही ये हमारा फैसला है, बल्कि नेशनल शरिया बोर्ड के कौमी सदर रिजवी साहब का फैसला है और उनका मानना है कि कबीर मियां इस हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। अरे आप किसको फोन लगा रहे हैं? कबीर मियां का फोन नहीं मिल रहा है तो शहबाज साहब को मिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहबाज साहब, हम बहुत देर से कबीर मियां को फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका फोन ही नहीं लग रहा है। आप कबीर मियां को कह दीजिएगा कि वो हमें शरिया बोर्ड में मिलें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अबू क्या बात है? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया कभी। अबू आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? फोन किसका था? तुम्हारे अब्बा का फोन था, तुम्हारे शहर काजी का होता, वो वापस ले रहे। और अब ये जिम्मेदारी वो खुद संभालेंगे। ये अच्छी बात होगी ना अबू, असल में उनकी तबीयत बेहतर हो गई होगी ना। वैसे भी अबू हमने ये जिम्मेदारी कुछ ही दिनों के लिए ली थी। नहीं कबीर, ये गलत फहमी है तुम्हारी। ये जिम्मेदारी वो इसलिए वापस नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक है। तो फिर अबू ये मौजूदा तमाशा को देखते हुए नेशनल शरिया बोर्ड के कौमी सदर ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो जल्द से जल्द
शहर काशी की जिम्मेदारी फिर संभाले। और इसका सिर्फ एक मतलब है कि तुम अपने शहर काजी का फर्ज ठीक तरीके से निभा नहीं पाए। और अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक और बात बता दे तुम्हें, यह इल्जाम तुम्हारे मुस्तकबिल में एक ऐसा दाग छोड़ जाएगा कि तुम्हारे शहर काजी बनने का हमेशा हमेशा के लिए इम्कान खत्म हो जाएगा। और इस सब के लिए जिम्मेदार तुम्हारी बीवी है। काश तुमने हमारी बात मानी होती कभी, काश तुमने अपनी बीवी को काबू में रखा होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। एक शहर काजी जो अपनी बीवी को काबू में नहीं रख सकता है वो सारे शहर को खाक संभालेगा, यही सोच रहे होंगे आज सारे कौम के लोग। और उसकी जिम्मेदार तुम हो ज़ारा, तुम्हारी जिद, तुम्हारे बड़ों की बात न मानने की आदत, इसी आदत ने तुम्हारे शोहर के मुस्तकबिल को आज अंधेरे में ढकेल दिया। अब तुम्हारे अब्बा शहर काजी के ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे और अब वो ही सारे कौम को अमन की दावत देंगे और रहते दम तक हमारे बेटे को इस सारे तमाशे का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और फिर लोग ताने देंगे कि कबीर अहमद कभी शहर काजी बनने के लायक था ही नहीं। क्या हुआ अम्मी, आज आप इतने चुपचाप क्यों बैठी हैं? अपनी प्यारी जारा से कुछ कहेंगी नहीं? हमने तुम्हें कितना समझाया था जारा, काश तुम हमारी बात मान लेती तो इस घर को ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। हमने किसी की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमने जो किया वो गलत है। हम एक औरत को और उसके बच्चों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे। हमें तो ये बात समझ नहीं आ रही है अम्मी कि ये मामूली सा एक छोटा सा मियां बीबी का मसला इतना बड़ा कैसे बन गया। ये मामूली सा मसला नहीं है जारा, ये एक शौहर का मसला है। क्या चाहता है ये शौहर? इस्लाम के जरिए अपने दिए हुए हक का इस्तेमाल कर रहा था वो, ताकि उसकी बीवी जाके किसी नामहरम के ऑफिस में नहीं काम करे। और कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बीवी उसका घर संभाले, उसको प्यार करे, उसको खुश रखे। और कुछ नहीं जारा, ये है मसला। हम भूल गए, तुम ये बात कहां समझोगी? क्यों नहीं समझ पाएंगे कबीर? हम एक बात कहें, हमें तुम्हारा नजरिया समझ में नहीं आता है कबीर। जिस इस्लाम की तुम बात कर रहे हो ना, उस इस्लाम ने औरतों को जीने का हक दिया हुआ है कभी। क्यों नहीं समझते तुम ये बात? और इस्लाम ने औरतों के हक में भी उतने ही फर्ज डाले हैं जितने हक और जितनी जिम्मेदारियां मर्दों को दी है। हम सिर्फ बिलाल को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाने की कोशिश कर रहे थे कभी। एक बात बताओ, आज तक हमने कोई भी ऐसी बात की है जिसका हुक्म हदीस या कुरान में नहीं दिया गया हो? माफ करना जारा, मगर हमने तो हमेशा यही देखा है कि तुम कबीर के खिलाफ ही खड़ी हुई। जब से ब्याह के इस घर में आई हो, हमने एक बार भी तुम्हें अपने शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नहीं देखा। हर बात पे, हर मसले पे तुम्हारा अलग ही नजरिया होता है, अलग ही राय देती हो। कबीर कुछ कहता है, तुम कुछ कहती हो। अल्लाह भी क्या खेल खेलता है ना, जोड़ी भी बनाए तो तुम दोनों की। ना ख्यालात मिलते हैं, ना नजरिए मिलते हैं, और ना ही एक दूसरे के साथ उनकी सोच मिलती है।
तुम दोनों की शादी के एक साल में इस घर के सुकून का जनाजा तो निकल गया, मगर तुम दोनों तो जिंदगी भर एक साथ रहने वाले हो। अब अल्लाह ही खैर करे कि तुम दोनों का क्या होगा। सही कह रही है जीनत, इन दोनों की शादी करवाना शायद हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अब वो कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत बोलिए, समझाओ ना अबू को, कुछ वक्त का हंगामा थम जाएगा। कुछ नहीं थमेगा। हाँ ये जरूर कर दिया है, ये जरूर कर दिया तुमने कि हमारे बरसों से अपने बेटे को शहर काजी बनते हुए देखने का ख्वाब उसे तुमने जरूर चकनाचूर कर दिया, और इसके लिए हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चाची जान जल्दी आइए। तुम्हारी अम्मी का फोन है सारा, अस्सलाम। कबीर, अभी रिजवान
काजी साहब? रिजवान क्या काजी साहब? अल्लाह रिजवान को आबाद रखे। रिजवान ने हमारी जान बचा ली, नहीं तो हम मर जाते। हमारे होते हुए आपको कुछ हो सकता है क्या? मगर ये सब हुआ कैसे? जी चाचा जान को नेशनल शरिया बोर्ड के कौमी सदर रिजवी साहब का कॉल आया था। उनका मानना है कि मौजूदा हालात के चलते शहर काजी का ओहदा चाचा जान संभाल लें। फिर ये बात हुई, कॉल खत्म हुआ और चाचा जान जल्दी में शरिया बोर्ड के लिए निकल पड़े और वहीं उनका पैर फिसला और वो। वैसे फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। हम एक काम करते, काजी साहब को अस्पताल लेकर जाते। नहीं, अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है कबीर में, आराम करेंगे तो ठीक। नहीं नहीं, कैसी बातें करी तुम रिजवान मियां, उनकी तबीयत खराब है, हालत देखो उनकी। कबीर मियां। जी काजी साहब। बेटा कबीर, आप हमारी फिक्र ना करिए, अभी आपको बहुत जरूरी काम करने हैं लखनऊ शहर में। फिक्र मत करो, रिजवान हमारे साथ है। बेटा रिजवान, ये सब ना कबीर मियां रिजवी साहब की वजह से हुआ। ये बार बार उन्हें कॉल करे जा रहे थे, इनफैक्ट जब वो गिरे उसके बाद भी उनका फोन आ रहा था, इसलिए हमने उनका फोन बंद कर दिया। फोन ऑन करेंगे तो तकलीफ ये होगी कि वो फिर चाचा जान पर दबाव डालेंगे कि वो शहर काजी के ओहदे पर बैठ जाए, और उन्हें नहीं चाहिए कि आप शहर काजी के ओहदे पर बैठे रहे। हमें तो इस बात की चिंता हो रही है कि अब इस शहर को संभालेगा कौन। शहर काजी के ओहदे पर बैठेगा कौन? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। ये आपके फोन ले लीजिए। मिल गए? थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है, कल तक रिपेयर हो जाएंगे। लो अपना फोन। अम्मी हम आते हैं, कुछ काम है। जी कमिश्नर साहब। नहीं, असल में फोन हमारे पास नहीं था, वो फोन बंद था। अब हमने जब स्विच ऑन किया तो देखा आपके इतने सारे मिस कॉल्स थे। सबसे पहले आप ही को फोन किया, बताइए। कबीर साहब, हमें आपके सहयोग की जरूरत है। हमने इरफान सिद्दीकी साहब को भी फोन किया लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा। 2 घंटे हुए कबीर साहब, लोगों ने शहर को सर पर उठा रखा है और इसे कंट्रोल करने के लिए एक शहर काजी के तौर पर ना तो आपका कोई सहयोग मिल रहा है और ना ही इरफान सिद्दीकी साहब का। आप बेफिक्र रहिए, अगले 2 घंटे में इस पूरे हंगामे पर हम काबू पा लेंगे। प्लीज प्लीज कबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस मिट्टी के बने हो यार आप चाचा जान। आपकी इतनी खिदमत की लेकिन एक बार अपने मुंह से बोलते नहीं बना कि बेटा रिजवान तुम बन जाओ ना शहर काजी। कुछ करना पड़ेगा रिजवान बेटा, कुछ करना पड़ेगा। अगर कबीर ने ये मसला हल कर दिया ना तो तुम्हारा शहर काजी बनने का जो सपना है ना रिजवान मियां, ये सपना ही बनकर रह जाएगा। बड़ी मोटी चमड़ी के बने हो ना चचा जान, बड़ी मोटी चमड़ी के बने हो ना। सीढ़ियों से गिरा दिया तब भी कुछ असर नहीं हुआ। अब आपको एक गहरा जख्म दूंगा,
कि ना चाहते हुए भी आप हमें कबीर मियां की जगह शहर काजी बनाएंगे, ना चाहते हुए भी।